10 साल के बाद उसके नंबर पर मैसेज किया, कैसी हो? आगे से जवाब आया, अम्मी की शादी हो चुकी है अंकल, आप भी शादी कर लें। वो मुझसे पूछने लगे, जी कौन हो आप लोग? तो मैंने भी सीना तान कर कह दिया, वेले लोग, कोई तकलीफ? एक देहाती के पास एक अंग्रेज बतौर मेहमान ठहरा। देहाती ने मकई की रोटी पर साग रख कर दिया तो अंग्रेज ने साग खाकर रोटी वापस कर दी और कहा, ये अपनी प्लेट वापस ले लो। एक दफा चंद लड़कों का एक अंग्रेज से सामना हुआ। एक लड़के ने अंग्रेजी में बातें करना शुरू की, अंग्रेज ने उसे थप्पड़ दे मारा तो दूसरे लड़कों ने मारने की वजह पूछी तो अंग्रेज ने जवाब दिया, इसको इसलिए मारा है कि इसे इतनी अंग्रेजी आती है लेकिन फिर भी ये अमेरिका नहीं आता। बेटा बाप से, अब्बू मेरे सींग क्यों नहीं हैं? बाप, क्यों बेटे? बेटा, क्योंकि मास्टर साहब कहते हैं कि तुम तो अल्लाह मियां की गाय हो गाय। एक बूढ़ी औरत नींद न आने के मर्ज में गिरफ्तार थी। डॉक्टरों से मायूस होकर वो एक मारे हिप्नोटिज्म के पास गई। वो भी उन्हें बैठाकर बहुत देर तक, आप सो रही हैं, आपको नींद आ रही है वगैरह वगैरह कहता रहा, मगर बात ना बनी। बिल आखिर उसने पसीना पोंछते हुए कहा कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपको सुलाने में नाकाम रहा। इस बात पर बूढ़ी औरत ने कहा, खैर तुम बिल्कुल भी नाकाम नहीं हुए हो, कम से कम मेरी टांगें तो सो गई हैं।